हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जर्मनी में डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें। सब लोग बात करते हैं कि यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, विच इन सम केसेस माइट बी ट्रू। बट अगर आप जाते हो, आपको इमरजेंसी है, आपको चोट लगता है, तो आप हॉस्पिटल्स में जा सकते हो अंडर इमरजेंसी आवर्स एंड आप वहाँ पर बुक कर सकते हो। एंड इन ऑर्डर टू चेक योर हेल्थ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बीमारी है प्री लॉन्ग टाइम से एंड आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो आप इनकी एक ऐप होती है उस पर जाके कर सकते हो। एंड ऐप में आप कैसे बुक करोगे एंड क्या प्रोसीजर होगा, मैं आपको अभी के अभी बताती हूँ। सो रुकिए जस्ट 2 मिनट एंड मैं आपको 2 मिनट में पूरा का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। थैंक यू। सो इसके लिए आप अपना ऐप स्टोर या प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए, उसमें डालिए डॉक्टर लिप एंड वंस आपको ये ऐप दिख जाती है, आप डाउनलोड कर लीजिए एंड ऐप को खोलिए एंड उसमें अपना जल्दी से फटाक से अकाउंट बनाइए एंड यहाँ पे देखिए सुखन दिखा होगा, सुखन मतलब सर्च एंड ये 3 कंट्री के लिए वैलिड है, तो हम जर्मनी चूज़ करेंगे, डॉयचलैंड। सो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड देन सुखन पे क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा। आप इधर पे डालेंगे आपको क्या बीमारी का सर्च करना है, तो मैंने डाला है ऑर्थोपेडिस्ट। सो उसके डॉक्टर्स खुल जाएंगे एंड देन ये आपसे लोकेशन पूछेगा, आपको बर्लिन में चाहिए, फ्रैंकफर्ट में चाहिए, चाहिए तो चाहिए किस जगह पे। सो ये आपको पूरी लिस्ट निकाल देगी डॉक्टर्स की एंड अलॉन्ग विद द डेट्स कि आपको किस डेट पे बुक करना है, तो आप उस डेट पे क्लिक करोगे जिस भी आपको डेट पे लगता है एंड आप वहाँ पे जाओगे एंड अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर दोगे। तो गाइज, मैं पर्सनली डॉक्टर लिप को यूज़ करती हूँ। पहले मुझे इस ऐप का नहीं पता था, मुझे कुछ फ्रेंड्स ने बताया जो पहले से जर्मनी में रहते थे एंड इसके बाद मुझे पता चला कि कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना है एंड ये बहुत इजी प्रोसीजर है। मैंने भी एक ऑर्थोपेडिस्ट से अपना अपॉइंटमेंट बुक किया है एंड मेरा कल के कल ही अपॉइंटमेंट है, तो मैं वहाँ जाने वाली हूँ। मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँगी ज़रूर कि मैं वहाँ पर जाके क्या एक्सपीरियंस करती हूँ। ये ऑनलाइन बुकिंग तो कर ली है, पर वो वहाँ पर प्रोसीजर क्या है, कुछ और भी करना है क्या, सो ये सब दिमाग में रख के लेके जा रही हूँ। एंड आप अगर यहाँ आ रहे हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो कंपलसरी है, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। सो मेरे पास पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड है एंड वो कार्ड ले जाना कंपलसरी है। मेक श्योर आप वो कार्ड लेके जाओ जब भी आप जाओ एंड वो आपको पर्चा देंगे एंड आप अगर वो आपको जो देंगे दवाई का पर्चा जो भी रहेगा आपके पास, सो आप जाके जब एपोथेके मतलब मेडिकल स्टोर पे दोगे तो वो आपको कम अमाउंट में देंगे। जैसे कि मेरी दवाई अगर 20 यूरो की है तो मुझे 5 यूरो में पड़ेगी, बाकी की अमाउंट जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस पे करेगा। तो मेक श्योर आप अपना कार्ड कैरी करो एंड चलिए देखते हैं कि मैं कल जाती हूँ और क्या करती हूँ। बने रहिएगा इस ब्लॉग में एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। थैंक यू। Sound right, boys. अपने डॉक्टर वाली लोकेशन पे, यहाँ पे सारे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। मुझे जिन डॉक्टर पे जाना है उनका डॉक्टर लिप से मैंने एड्रेस ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो आप भी अपना एड्रेस देख सकते हो और फिर जा सकते हो अपने डॉक्टर के पास जहाँ पे आपने बुक करी थी अपॉइंटमेंट। सो मैं वहीं पर जा रही हूँ अंदर और मेरा आज ब्लड टेस्ट है एंड उसका रिपोर्ट आने वाला है। सो मैं इसलिए जा रही हूँ अंदर एंड अंदर जाती हूँ फिर मैं उसके बाद मुझे जो भी प्रोसीजर पता चलता है मैं आपको तुरंत के तुरंत आपको सारा प्रोसीजर क्लियर करती हूँ। सो ये देखिए मैं बैठी हुई हूँ अंदर अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का वेट करते हुए एंड मुझे फाइनली डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट मिल जाती है एंड मैं थोड़ा खुश हूँ बिकॉज़ मेरी रिपोर्ट्स अच्छी ही आई हैं एंड इसलिए मैं अब वापस कॉर्बिस जा रही हूँ जहाँ पे मैं रहती हूँ एंड मौसम भी आज का अच्छा है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। सो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ एंड जा रही हूँ वापस। बाकी प्रोसीजर वाज वेरी इजी, आपको जस्ट जाना है डेस्क पे, रिसेप्शन को दिखाना है अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो कि आपकी ऐप में रहेगा, उनको मोबाइल से दिखा दीजिए एंड आपका डॉक्टर को मिलना बहुत आसान हो जाएगा। सो गुड बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।